लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में हैं तो राहुल गांधी अपने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में हैं। देश के और नेता भी इधर से उधर जनता से बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। ऐसे में केरल पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दो सीटों से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए हमला किया और कहा कि केरल के लोग काफी समझदार हैं और राहुल गांधी को हराने में देर नहीं करेंगे, और अगर यहां से राहुल गांधी हार गए तो अगला चुनाव देश के बाहर किसी तीसरे मुल्क से लड़ेंगे। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी थिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। पीयूष यही नहीं रुके और आगे कहा कि राहुल गांधी अमेठी में हार के डर से केरल आए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए इधर से उधर भाग रहे हैं, और भारत की जनता है कि उनमें भरोसा ही नहीं दिखा रही है। यहाँ पर एक बात हम आपको बताते चले कि जब केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे, तब राहुल गांधी केरल के 4 शहरों में रैली के लिए गए थे। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कहा था। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा था कि राष्ट्र पर हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने का असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जनता से कनेक्शन बनाने का काम भी जारी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, केरल की जनता राहुल गांधी को जिताती है या पीयूष गोयल की बात पर अमल करती है। इसका परिणाम तो 23 मई को आएगा, जब जनता के आशीर्वाद का पता चलेगा। द भारतीय जनता पार्टी एंड आवर पार्टनर्स इन द एनडीए आर पॉइज्ड फॉर अ ह्यूज विक्ट्री इन द इलेक्शंस। द बीजेपी एंड इट्स पार्टनर्स विल गेट अ 2/3 मेजॉरिटी इन इंडिया। The very fact that the Congress president is afraid of defeat in Amethi, which is their backyard of so many years, and has to run all the way to Wayanad, and there also he has to fight against his own partner, the CPM, and then CPM complains, he says, I will not say a word against CPM. Then what are you fighting for? How will you fight an election without saying a word against your opponent? It clearly shows the Congress party president has lost the confidence of the people of India. He is today a person who has no popularity. He has lost the confidence and is forced to come all the way to Kerala. I am sure the people of Kerala will defeat Rahul Gandhi in Wayanad, so that next election he will have to look for a constituency in some other country to fight the election. We are very confident of a spectacular victory in Kerala. We are receiving huge support in every city, every constituency that we are going. We expect the results in Kerala, in West Bengal, in Odisha, in the Northeast. States where we did not do too well will all give spectacular results in this election. They are all looking for a development-oriented government. They are all wanting an honest government. They are all wanting a strong leader like Prime Minister Narendra Modi, who will protect the country. Bharat Mata Ki. Bharat Mata Ki. KM Jobada. लीला लहर ने वाह अमरेली तो कह रहे गाजा वहां पाछू पड़े नहीं। हमें तो काले हनुमान जयंती की तैयारी मजो पाचा मैं रस्ता में जो है टेंट वेट लागी गया जे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू भाई, मंत्रिमंडल ना मारा साथी भाई पुरुषोत्तम भाई,
भाई श्री दिलीप भाई, आ चूंटणी में लोकसभाना सर्वे उम्मेदवारों, जिल्लाना सौ आगेवानों, भावनगर थी आवेला सौ आगेवानों अने विशाल संख्या में उपस्थित अमरेली ना मारा वाला भाइयों ने बहनों, अना सौराष्ट्रनी धरती संत बापा बजरंगदास बापानी धरती, सीतारामनी पावन धरती, आप सौना आशीर्वाद लेवा आव्यो छो अने मने बराबर याद छे भूरखिया हनुमान ना दर्शन करवा एले जे सारंगपुर जाए का भूरखिया जाए अने एने जे भक्ति भाव थी मात्र अमरेली जिलो नहीं आ पंथक ना बदा लोको एने जे भक्ति भाव थी उजवे छे भादरवा महीना में पदयात्रा करवी सहेली होय छे पण आ धोम धकता ताप में पदयात्रा करवी परसेवो छूटी जाए पण क्यारे आ पंथके पदयात्रियोनी संख्या में घटाड़ो न थवा दीधो परंतु हनुमान जी नी भक्ति ना मूल में होय छे सेवा भाव हनुमान जी नो एक ज संदेशो सेवा सेवा परवो धर्म अने आपणे बधा हनुमान जयंती माथी नर करणी करे तो नारायण हो जाए भाइयों बहनों जलाराम बापा ना गुरु संत भोजनराम बापा अहीं आवीए एटले भोजनराम बापा नी याद स्वाभाविक आवे अने आ धरती गुजरात ना पहला मुख्यमंत्री जीवराज भाई मेहता नी धरती अने दूला भाया काग कांजी भूटा भारत आम कान में गूंजता हो आज गूंजता हो भाई अने कवि कलापी संवेदनशीलता कोने कहवाय सरदय कोने कहवाय शब्द शब्द में वेदना वणेली होय भाइयों भाइयों आज परंपरा ने निभावा अमारा रमेश पारेख अने घणी वार हूँ विचार करूं तो एक बाजू पालनपुर अने एक बाजू अमरेली स्पर्धा करो तो कवियों ना नाम पूरा न थाय पालनपुर माथी पण शेर शायरी ना बदा अने अमरेली माथी पण कवियों ना एक थी बढ़कर एक जने कहिए भाइयों बहनों एवी आ धरती ने हूँ नमन करू छु अने आप सब आटली मोटी संख्या में अमने आशीर्वाद आपवा माटे आव्या ए बदल हूँ आपनो हृदय पूर्वक आभार मानू छु बे हजार एक थी मारी एक नवी जिंदगी नी शुरुआत थई कारण वर्षो पछी जे गलियारामां क्यारे जवानो विचार नहोतो कर्यो सपने पण ख्याल नहोतो
ये राजकारण ना आटा पाटा अने सत्ता ना गलियारों में पग मुकवानी मारी 2001 ना भूकंप पछी शुरुआत थई। अने गुजरात में सौथी लांबो समय मुख्यमंत्री तरीके सेवा करवा माटे आप सौनो अभूतपूर्व सहयोग रह्यो। अने आटली लांबी सेवा करी तरे तमारी जोड़े गरोबो थई गयो, अपनत्व थई गयो,